हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोलॉजी से जुड़े हुए एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक की, और जिसे हम ग्रोथ पैटर्न्स के रूप में समझ सकते हैं। एक्चुअल में जो इकोलॉजी का सिलेबस होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट सभी प्रकार की जो एग्जामिनेशंस होती हैं, चाहे आप अंडर ग्रेजुएशन की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, या एंट्रेंस एग्जाम्स हो, या इसके बाद के जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उन सभी ऑलमोस्ट एग्जाम्स के अंदर इकोलॉजी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और दूसरी खास बात, ये जो हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसका रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है, और आई होप इसकी जितनी भी बातें हैं वो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएंगी। तो इकोलॉजी के काफ़ी सारे वीडियोस जो पहले क्लासेज हो चुकी हैं, उनके इस चैनल के ऊपर डाले हुए हैं, तो आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। तो आज हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा ग्रोथ पैटर्न्स, उसकी बात करते हैं। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ इसका एक जनरल छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके साथ कर दूं कि इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे और या इसमें जो भी चीज़ें आएंगी वो क्या होंगी। ग्रोथ और पैटर्न, पैटर्न तो तरीका होता है कि जो भी एक तरीका होता है उसको हम पैटर्न बोल सकते हैं। और जैसा कि सिंपल वर्ड ग्रोथ की बात करें, तो ऐसा लगता होगा कि कोई छोटी चीज़ जब बड़ी होती है तो उसको ग्रोथ बोलते होंगे, लेकिन इकोलॉजी में और पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर स्पेशली, ये जो आपका टॉपिक है, इट बिलोंग्स टू पॉपुलेशन इकोलॉजी। जो पूरा जो समष्टि होता है, पॉपुलेशन को आप लोग हिंदी में समष्टि बोलते हैं, और पूरा जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन की ग्रोथ का पैटर्न है, ना कि इंडिविजुअल की ग्रोथ का पैटर्न। तो बहुत क्रूशियल पॉइंट हो जाता है कि हमें ये बिल्कुल कंफर्म आइडिया होना चाहिए कि यहाँ किसी अकेले जीव की ग्रोथ की बात नहीं है। उस स्पीसीज के खूब सारे इंडिविजुअल जब एक साथ किसी एक आवास में पाए जाते हैं, तो उन सभी जीवों का जो एक छोटा सा गुच्छा वहाँ मिल रहा होता है, उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। और उसी पॉपुलेशन का ग्रोथ पैटर्न जो होते हैं, एक्चुअल में हम यहाँ पे दो प्रकार के ग्रोथ पैटर्न्स हैं, उनको हम सक्सेसिव वीडियोस में डिस्कस करेंगे। वन इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दूसरा होता है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न होता है। तो पहले हम जो सिंपल प्रकार का है, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न है, उसकी बातें करेंगे। अगले वाले के अंदर हम लॉजिस्टिक को समझेंगे, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, और अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के जो पैटर्न्स हैं वो क्यों देते हैं, एक्सपोनेंशियल वाला कौन देंगे, लॉजिस्टिक वाला कौन देंगे। तो ये सारी जितनी भी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बातें टॉपिक्स को बनाती हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम हमारे फील्ड के हिसाब से इकोलॉजी की भाषा में अगर हम ग्रोथ को समझाना चाहें और पॉपुलेशन इकोलॉजी के एंगल से अगर हम ग्रोथ को बताएं, तो यहाँ पे ग्रोथ का मतलब आएगा ऑर्गेनिजम्स के नंबर में वृद्धि होना। अकेले ऑर्गेनिज्म का मैटर नहीं है, पॉपुलेशन का मैटर है। तो पॉपुलेशन की जो साइज होती है, पॉपुलेशन का जो साइज जिसको हम कैपिटल एन के द्वारा डिनोट करते हैं, उस संख्या में होने वाली वृद्धि, और उसका भी कोई एक तरीका होता होगा, दैट इज ग्रोथ पैटर्न। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहला जो पैटर्न है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न। तो एक्सपोनेंशियल जो होता है, एक्सपोनेंशियल को जैसे आप एक सामान्य तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास एक बैक्टीरिया है, हमें पता है कि जो बैक्टीरिया वो बाइनरी फिशन से डिवाइड करता है। तो जैसे ही एक बैक्टीरियम है, उससे दो बैक्टीरिया बनेंगे, दो से फर्दर दो दो बनेंगे, फिर फर्दर दो दो बनेंगे। तो हर पीढ़ी में, पिछली पीढ़ी में एक था, अगली पीढ़ी में दो बैक्टीरिया बन गए, तो हर एक पीढ़ी के अंदर नंबर है वो इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा, दो से चार हो गया, चार से आठ हो गया, आठ से 16 हो गया। तो सच पैटर्न जो किसी एक निश्चित पैटर्न के अंदर ग्रोथ जो आ रही है, और वो हर बार बहुत ज़्यादा बढ़ करके आ रही होती है, तो वो कैसी ग्रोथ है, और उस ग्रोथ में हमें कौन सी जो
इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं या जो कुछ इक्वेशनल जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनको ध्यान में रखना पड़ता है या समझना पड़ता है, तो उन सभी बातों को हम इस टॉपिक में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो को ईयरफोन लगा करके आराम से इसको कंटिन्यूसली वॉच कीजिए, ताकि जितनी भी बातें हैं जो इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सारी आपको यहाँ से गैन हो जाए। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम हमारे एग्जांपल को इस प्रकार से समझें कि आपके पास एक सिंगल बैक्टीरियम है और इस बैक्टीरियम से जब बाइनरी फ्यूजन होगा तो इससे दो बन जाएंगे और दो से फर्दर चार बन जाएंगे, चार से फर्दर 8, 16, 32, इस प्रकार से ये पैटर्न है, ये मूव करेगा कि आपके पास स्टार्टिंग में केवल एक बैक्टीरियम था और उसके बाद में हर बार बैक्टीरियम ने क्या किया, बाइनरी फ्यूजन किया, और बाइनरी फ्यूजन से जो नंबर है वो हमारे पास नंबर इंक्रीज किस प्रकार से हो रहा है कि हर बार डबल हो रहा है। अगर आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो नंबर कितना हो गया, जस्ट पहले जितना था उसका डबल हो गया है। अगर हम और अगली पीढ़ी की बात करते हैं तो फर्दर ये जितना इस पीढ़ी में था उसका डबल हो जाता है, एंड सो ऑन। हम देखते हैं कि हर एक पीढ़ी के अंदर नंबर है वो इसी प्रकार से डबल होता हुआ जा रहा है। पिछली पीढ़ी में जितने थे अगली पीढ़ी में उससे 10 डबल जो नंबर है वो हो जाता है। अब अगर हम देखें कि हमारे पास ये जो तरीका था कि आपने एक सिंगल बैक्टीरियम लिया था और वो जो सिंगल बैक्टीरियम था वो फिर उसने एक से दो बने, दो से चार बने, चार से आठ बने, 16 बने, ऐसी बातें, ऐसा लगता है कि तो सिंपल सी बात है, इसमें इतना क्या दिमाग लगाना है, नहीं। लेकिन इसमें बहुत सारे जो इकोलॉजी के जो मेन चीज़ें होती हैं वो छिपी हुई होती है। चलो हम उनको देखते हैं कि वो बातें क्या हैं जो हमें यहाँ से समझ में आनी चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हम इस बैक्टीरियम की जगह पे अगर हम एलिफेंट को ले लें या हम लॉयन को ले लें या हम किसी शिप को ले लें या किसी ह्यूमन को ले लें तो ऐसा नहीं होता है। इट मीन्स बैक्टीरियम भी ऑर्गेनिज्म है, इकोलॉजी के अंदर तो सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे होते हैं, तो बैक्टीरियम का पैटर्न तो डिफरेंट है, जबकि जो बड़े साइज के ऑर्गेनिजम्स हैं उनका पैटर्न बिल्कुल से रिवर्स आता है। तो हम यहाँ एक बहुत ही जो गूढ़ रहस्य होता है इकोलॉजी का उसको लगा सकते हैं कि हो क्या रहा है। यहाँ पे एक बैक्टीरियम था उसने दो बनाए, इट इज वेरी सिंपल कि उसने दो बनाए, बट सोचने की बात यह है कि उसको दो बनाने में कोई दिक्कत नहीं आए। उसने दो बनाए, एक साइड से आपको समझता है कि बाइनरी फ्यूजन हुआ, एक से दो बन जाएंगे, लेकिन एक से दो बनना इतना आसान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म को पहले ग्रोथ करनी होती है, अपनी बॉडी को बढ़ाना होता है, देन आफ्टर रिप्रोड्यूस करना होता है। तो एक से दो इसने बनाए तो डेफिनेटली एक से दो बनाने के लिए जो भी इसकी रिक्वायरमेंट थी, चाहे वो भोजन को लेकर के हो, चाहे वो टेम्परेचर को लेकर के हो, चाहे सराउंडिंग के पीएच को लेकर के हो, या जितने भी बायोटिक अबायोटिक फैक्टर इसको अपनी ग्रोथ जो मैक्सिमम ग्रोथ ये दे सकता है। ऐसा तो नहीं है कि बाइनरी फ्यूजन करने वाला एक से तीन तो बना नहीं सकता, तो वो एक से दो ही बनाएगा, उसकी लिमिट है, देयर इज द अपर लिमिट कि बाइनरी करेगा तो एक से दो ही बनेगा, तो मैक्सिमम उसने बना दिए। इसका काम था दो बना सकता लास्ट, इसने दो बना दिए, इसको दो बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि रिसोर्सेस इसको आराम से मिल रहे थे। तो क्या ऐसी बात है कि कोई कितना भी बनाना चाहे वो बना सकता है, तो अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि नहीं, ऐसा तो सारे जीव नहीं कर सकते। एक्चुअल में क्या होता है कि जो जीव जितने छोटे होते हैं, जैसे बैक्टीरियम है ये माइक्रोस्कोपिक है, इनको बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में फूड की जरूरत होती है। तो जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, जितना छोटा उसका लाइफ साइकिल होता है, उनको उतने ही कम रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितने कम रिसोर्सेज के ऊपर कोई जिंदा रहता है उसको अपना ग्रोथ देने में, अपने आप को रिप्रोड्यूस करके अगली प्रोजेनी बनाने में उतने ही कम स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि सराउंडिंग में चीज़ें उसको जितनी चाहिए उससे ज़्यादा उपलब्ध होती हैं। तो बैक्टीरियम के साथ ऐसा ही है, ये क्या कर रहा है, इसको रिसोर्सेज आराम से मिल रहे हैं, इसने दो बना दिए। अब जो टारगेट इस पहले के पास था, अब वो टारगेट इन दो के पास आ गया कि इन दो को भी मैक्सिमम, एक से दो बनेंगे तो दोनों मैक्सिमम चार बना सकते हैं, देखो इन्हें बना दिया।
इन्होंने भी ये चार दो दो बना करके आठ ही बना सकते हैं, मैक्सिमम बना दिया इन्होंने, मैक्सिमम बना दिया, मैक्सिमम बना दिया। इट मीन्स हर एक पीढ़ी के अंदर, जैसे यहाँ पे एक ही था उसने मैक्सिमम दे दिया, यहाँ पे दो थे इन्होंने मैक्सिमम दे दिया, यहाँ पे चार थे इन्होंने अपना मैक्सिमम दे दिया। ऐसा नहीं कि यहाँ पे चार थे उसमें से तीन ने छह बना दिया और एक नहीं बना रहा, ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसे यहाँ पे आठ है तो ऐसा नहीं कि छह ने तो 12 बना दिए और दो ने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं हो रहा है। इट मीन्स एवरी ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर जनरेशन में आप देखते हैं, जैसे जनरेशन 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन आप जाए, तो हर एक पीढ़ी में जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उन्होंने अपना मैक्सिमम दिया है, अपनी साइड का मैक्सिमम वो दे सकते हैं। अब ये अलग बात है कि उसके मैक्सिमम देने का तरीका ही ऐसा है कि बाइनरी फ्यूजन है तो वो दो ही बना सकता है। तो दिस इज द पैटर्न कि हर एक पीढ़ी में जितने भी हैं वो सारे एक साथ मैक्सिमम रूप से जितना प्रोड्यूस किया जा सकता है उतना प्रोड्यूस कर देते हैं। तो अगर ऐसा कोई पैटर्न होगा, अगर ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो वहां पे नंबर है वो इसी प्रकार से बढ़ेगा कि हर बार डबल, फिर डबल, फिर डबल, ऐसे लगातार नंबर है। कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 घंटे का टाइम लगता है तो 2 घंटे में 2 बने, अगले 2 घंटे में 4 बन जाएंगे, अगले 2 घंटे में 8 बन जाएंगे, अगले 2 घंटे में 16 बन जाएंगे। यानी कि नंबर है वो समय के साथ या जनरेशन के साथ बहुत तेजी से बढ़ता चला जाता है। आगे जाए तो नंबर 64 चला जाएगा एंड सो ऑन। देखें तो नंबर है वो एक घातांक के साथ में, जैसे यहाँ पे हर बार उसका डबल 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 ऐसे होता जा रहा है, तो दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल पैटर्न। कि हर कोई, हर एक इंडिविजुअल इज गिविंग इट्स मैक्सिमम, और जितने भी, ऐसा नहीं कि यहाँ पे चार थे तो एक तो 10 बजे अपना काम स्टार्ट कर रहा है, 12 बजे स्टार्ट कर रहा है, नहीं, जितने भी बने वो सारे बनते ही अगली पीढ़ी के लिए जो भी उनकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है उसमें चले जाते हैं। कि ऐसा नहीं कि 8 बन रहे तो इसमें से एक तो सुबह बन गया और बाकी 7 शाम को बन रहे, ऐसा भी नहीं हो रहा है। इट मीन्स एवरी ऑर्गेनिज्म अपनी साइड से कम टाइम के अंदर द बेस्ट और द मैक्सिमम प्रोड्यूस करता जा रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उनके पास कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि उनको जितना चाहिए उतना मिल जाता है। उनको इतना ही क्यों चाहिए? क्योंकि वो छोटे हैं। इट इज द प्रॉपर्टी। तो ये इसके अंदर छिपा हुआ था कि आपको दिखना चाहिए कि ऐसे हो तो रहा है, लेकिन हर कोई ऐसे नहीं कर सकता। हम नहीं कर सकते कि सुबह एक थे शाम को 2 हो गए, शाम को 2 थे अगले दिन फिर 4 हो गए, ऐसा हम नहीं कर सकते। एलिफेंट नहीं कर सकता, लॉयन नहीं कर सकता, लेकिन जो छोटे हैं वो कर सकते हैं। यस, तो दिस पैटर्न सच लाइक पैटर्न की आप एक सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि हम इन बातों को कैसे इकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इनको डिफाइन करें। इसके बाद में एक हमारे पास काम आता है कि हम जो नंबर है उस नंबर को कैलकुलेट कैसे करें। जैसे मान लो कि अभी तो हम यहाँ पे कह देंगे कि अगली पीढ़ी में 2 बने, फिर अगली में 4 बन गए, 8 बन गए, 16 बन गए, 32 बन गए, लेकिन हम इनको काउंट कैसे करें? तो काउंट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला भी आपके पास आपको पता रहना चाहिए कि उस फॉर्मूला को हम किस प्रकार से काम में लेते हैं। चलिए हम बात करते हैं इस फॉर्मूला की। दिस इज देखिए पॉपुलेशन इकोलॉजी में जो कैपिटल एन होता है उसको पॉपुलेशन साइज से ही डिनोट किया जाता है। तो टी का मतलब किसी भी समय के ऊपर जो पॉपुलेशन होगी, दैट इज एन टी इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगी? शुरू में जितने होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं एन जीरो। तो स्टार्टिंग में आपके पास जितने थे एन जीरो, और उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 2 की पावर t के साथ, 2 की पावर t के साथ। और t का मतलब यहां पे होता है जनरेशन। t का मतलब क्या है? जनरेशन, कितनी पीढ़ियां हो गई। जैसे मान लीजिए कि अभी जो हमने बैक्टीरिया का केस लिया उसमें 4 घंटे लगते हैं, 4 आवर्स में एक जनरेशन पूरी हो जाती है। तो स्टार्टिंग में एन जीरो मान लीजिए कि हमारे पास 4 थे, और आपको ये पूछा जा रहा है कि 20 घंटे बाद कितने हो जाएंगे, 20 आवर्स के बाद में उसकी पॉपुलेशन कहाँ पहुंच जाएगी। तो 20 घंटे का मतलब ये है कि 4 घंटे में उसकी एक जनरेशन पूरी हो जाती है, तो यहाँ पे उसकी टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी 5। तो जनरेशन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 5।
जब 4 घंटे में एक जनरेशन पूरी हो जाती है तो 20 घंटे में उसकी 5 पीढ़ियां आ जाएंगी, तो टी की जगह पे हम 5 रख देंगे, तो हमारे पास ये आ गया कि शुरू में 4 थे, 2 यहाँ पे सेम रहेगा और इसकी घात 5 हो जाएगी, और अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से जो कैलकुलेशन था कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 4, 8, 16, 32 और 32 को फिर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से, तो दिस विल गो फॉर 128। तो हमारे पास जो एन टी आएगा वो 128 आ जाएगा। अब इसमें हमने ऐसा किया क्यों, या ये इक्वेशन ऐसे ही क्यों काम करती है? ये तो हमें जो फाइनल नंबर बताना होता है कि किसी पीढ़ी में हमारे पास कितना बड़ा पॉपुलेशन होगा, तो पॉपुलेशन की साइज दिस इज एन और टी हमारे पास वो टाइम हो गया। एन जीरो शुरू में आपके पास कितने थे, कितनी पीढ़ियां हो गई, ये हम टी बता देते हैं। टी हमें निकालना पड़ेगा, क्यों निकालना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जनरेशन टाइम जो होता है उसको हम टोटल टाइम जो हमारे पास इक्वेशन में या क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने निकाल दिया कि 20 घंटे में अगर देखें तो 4-4 घंटे की 5 पीढ़ियां होगी, तो टी इक्वल टू 5। और 2 यहाँ पे जो लिया गया है, अब यहाँ से जो इसका मैथमेटिकल जो इंटरप्रिटेशन होता है कि हम इन इक्वेशंस को मैथमेटिक्स की भाषा में जब समझते हैं, तो हमने यहाँ पे जो 2 की वैल्यू पुट की है, इस 2 का मतलब हमारे पास आएगा बाइनरी फ्यूजन से, कि हमारे पास जो बाइनरी फ्यूजन का तरीका था, अब हम किसी फंगस के लिए 2 नहीं लगा सकते, किसी ब्रायोफाइट के लिए 2 नहीं लगा सकते, लेकिन जो बाइनरी फ्यूजन करता है, जो 1 से 2 ही बनाता है, उसके लिए हम 2 ही लगाएंगे, क्योंकि 2 बाइनरी फ्यूजन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिया। तो डैक्टीरियम का अगर मामला हो, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए स्टार्टिंग में आपको कोई भी पॉपुलेशन साइज दे दे या कोई कॉन्सेंट्रेशन पर ml आपको बता दे, तो उसके बाद में कितने टाइम हो गया, कितनी पीढ़ियाँ हो गई, ऐसा कैलकुलेट करके आप बाद में जो आपके पास सॉल्यूशन होगा उसमें पॉपुलेशन साइज किस प्रकार का होगा या पर ml कितने बैक्टीरिया होंगे, ऐसे कैलकुलेशन किए जा सकते हैं। इसके बाद में ये तो हमने बात कर ली कि ये जो इक्वेशन थी ये बैक्टीरियम के ऊपर तो लागू होती है, तो बाकी जीवों के ऊपर भी क्या ये लागू होगी, तो थोड़ा सा हम उसका देखते हैं। तो ये भी जो इक्वेशन है वो हमारी इस प्रकार से चेंज हो जाएगी, एन टी इज इक्वल टू एन जीरो, यहाँ तक बिल्कुल सेम है। इसके बाद में जो पार्ट आ रहा है दिस इज ई की पावर आर टी। एक्चुअल में जो ई होता है ई इज बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, तो जो नेचुरल लॉगरिथम होता है ये उसकी वैल्यू है, दिस इज 2.718। और आर जो होता है, आर का मतलब होता है दिस इज रेट, और टी का मतलब होता है जनरेशन। एक्चुअल में क्या था कि बैक्टीरियम का तो हमें पता है कि वो एक बार में 2 ही बनाएगा, लेकिन ये चीज़ हम बाकी सबके ऊपर तो नहीं लगा सकते, तो बाकी के लिए हम क्या करते हैं कि जो 2 वाला पार्ट था, कि जो 2 हमने लिया था, हमने 2 की पावर टी लिया था, अब हमने एन जीरो भी वही है, एन टी भी वही है, हमने टी भी वही रखा है, केवल 2 की जगह पे हमने ई की पावर आर लगा दिया। तो e की पावर r लगाने के पीछे जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि r तो हमारे पास होता है कि नेटलिटी और मॉर्टेलिटी, जो डेथ रेट और बर्थ रेट का डिफरेंस होता है उसे अपन ग्रोथ रेट बोलते हैं, इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट, तो r तो हमारे पास इंट्रिंसिक रेट होती है, और e हमारे पास होता है नेचुरल लॉगरिथम का जो बेस होता है, कि एक यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट जैसा वैल्यू है, कि उस कॉन्स्टेंट वैल्यू को हम E के रूप में यूज करते हैं। तो हमारा जो 2 था, बाइनरी फ्यूजन के अकॉर्डिंग जो 2 था, कि हम वहाँ पे उससे गुणा कर रहे थे,
हम सारे तो बाय नहीं करते नहीं, इसलिए सारों को तो दो से कर नहीं सकते, तो दो की जगह पे हमने एक सब्स्टिट्यूट डाला है कि एक तो कांस्टेंट ले लिया, कांस्टेंट को हमने मल्टीप्लाई घात के साथ में किया, वो कौन है, वो है उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट जो होती है, जिसे अपन आर के द्वारा डिनोट करते हैं। तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के बाइनरी फिशन के लिए वो पहली वाली यूज होगी, और बाकी के लिए हम इस प्रकार की इक्वेशन है उसको यूज करेंगे। इसके बाद में अगर हम इसी ग्रोथ का, जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ रही है, उसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें, तो ग्राफ को हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। इधर हमारे पास पॉपुलेशन साइज होगी, इधर हमारे पास टाइम होगा। तो होगा क्या कि जैसे ही हम इन पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो स्टार्टिंग में नंबर मान लीजिए जैसे दो है, बहुत कम नंबर है, दो से चार बनेंगे, चार से आठ बनेंगे, आठ से सोलह बनेंगे, सोलह से बत्तीस बनेंगे, और हमारे पास जो पैटर्न है वो इस प्रकार का आएगा। और ये जो पैटर्न आता है, ये पैटर्न इंग्लिश के अंदर एक लेटर होता है जे फॉर जग, तो इंग्लिश लेटर जैसे रिजेंबल करता है, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इस प्रकार का जो ग्रोथ होता है, जहाँ पे हर बार एक्सपोनेंशियल टाइप की ग्रोथ होती है, वहाँ पे पॉपुलेशन साइज एन इक्वल टू पॉपुलेशन साइज, बी इक्वल टू टाइम, तो समय के साथ पॉपुलेशन साइज है वो बहुत तेजी से ग्रोथ करती है। जैसे स्टार्टिंग में तो धीरे ग्रोथ कर रही है, लेकिन इसके बाद में हम यहाँ देखते हैं तो थोड़े से टाइम के अंदर नंबर बहुत बड़ा चला जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व्स, जो जे शेप कर्व्स होते हैं उनको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व्स के रूप में भी जानते हैं। तो ये था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, हम उसकी पैरामीटर्स को कैसे समझते हैं, देन आफ्टर हम उसको ग्राफ से प्लॉट करें तो वो किस प्रकार से हम प्लॉट करेंगे, जे शेप क्यों आता है, जो छोटे जीव होते हैं उनके लिए ऐसा क्यों आता है, इसके बाद में दूसरा जो पैटर्न रह जाता है वो लॉजिस्टिक रहता है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहाँ की जितनी भी बातें थी वो आपकी क्लियर हुई होगी। ओके, थैंक यू।